और अब बात करेंगे पंजाब के इंतखाबात से मुतालिक। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में तीन रुकनी बेंच समाअत कराया। राजा मोहसिन एजाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे अब तक का अहवाल जानेंगे। राजा मोहसिन, बताएगा समाअत में अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंतखाबात से मुतालिक नजरसानी अपील पर समाअत जारी है और अहम रिमार्क सामने आए हैं बेंच की जानिब से और जस्टिस इजाजुल अहसन की जानिब से। ये कहा गया है कि 90 दिन का वक्त आइन में दिया गया है और निगरान हुकूमत 90 दिन में इलेक्शन करवाने ही आती है। आइन में कहां लिखा है कि निगरान हुकूमत का दुरानिया बढ़ाया जा सकता है? उन्होंने अपने रिमार्क में ये भी कहा कि निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी आइन की रूह के मुनाफी है। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी बेंच से इत्तफाक किया और ये कहा कि अदालत की ऑब्जर्वेशन से मुत्तफिक हूं। इसके साथ साथ जस्टिस इजाजुल अहसन की जानिब से अपने रिमार्क्स में मजीद ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कुछ जिम्मेदारियां हैं आइन के मुताबिक और आइन बना तो मजबूत इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया गया। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमतें सिर्फ इलेक्शन कमीशन की सहूलत के लिए आइन में शामिल की गई, शफाफ इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन फंड और सिक्योरिटी की अदम फराहमी का बहाना नहीं कर सकता। क्या इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार नहीं है? इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अपने आईनी इख्तियारात से नजर नहीं चुरा सकते। जस्टिस इजाजुल अहसन ने यह भी सवाल उठाया कि आप बताएं 90 दिन की निगरान हुकूमत 4.5 साल कैसे रह सकती है? आइन पर इसकी रूह के मुताबिक अमल करना होता है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि पंजाब और केपी दोनों सूबों में ही असेंबलियां तहलील हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला चैलेंज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इस पर आपने नजरसानी की और अब आप उस पर दलाइल दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि केपी की असेंबली भी तहलील हुई थी। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि मेरे कहने का मतलब था कि केपी और पंजाब पूरे मुल्क का 70% है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर बलोचिस्तान असेंबली वक्त से पहले तहलील हो तो क्या इस पर आइन का इतलाक नहीं होगा? नशस्तें जितनी भी हों हर असेंबली की अहमियत बराबर है। हुकूमत जो भी हो, शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। क्या इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि मुंतखब हुकूमत होते होते हुए इलेक्शन नहीं हो सकते? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात से माजूरी जाहिर नहीं कर सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो कहता था कि फंड और सिक्योरिटी दें तो इलेक्शन करवा देंगे, आइन के उसूल की बात करके खुद इससे भाग रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हों तो मनफी कुवतें अपना जोर लगाती हैं, बतौर आइन के मुहाफिज अदालत कब तक खामोश रहेगी? उन्होंने कहा आर्टिकल 224 को सर्दखाने में कितने अरसे तक रख सकते हैं? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 9 मई के वाकयात से इलेक्शन कमीशन के खदशात थे वो दुरुस्त साबित हुए। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अदालत ने खदशात की नहीं आइन के उसूलों की बात करनी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आम इंतखाबात का मतलब सिर्फ कौमी असेंबली का इलेक्शन नहीं होता, एक साथ इंतखाबात में 5 जनरल इलेक्शन होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वजीर आजम और वज़ीरे आला 6 माह में असेंबलियां तहलील कर दें तो कमीशन क्या करेगा? वजीर आजम और वज़ीरे आला के पास असेंबली तहलील करने की वीटो पार है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम और वजीर आला जब चाहें असेंबलियां तहलील कर सकते हैं। आइन के उसूलों को मद्देनजर रखकर बताएं इलेक्शन कमीशन का मौकफ क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने कहा कि 8 अक्टूबर की तारीख हकायक के मुताबिक दी थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 8 को अगर इलेक्शन कमीशन मुझे कहे कि अक्टूबर में इलेक्शन मुमकिन नहीं, अगर 8 सितंबर को वो ऐसा कह दें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन 2 साल कहता रहे कि इंतखाबात मुमकिन नहीं, इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का फर्ज है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने खुद कहा आइन की रूह जमहूरियत है, कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे? चीफ जस्टिस ने कहा कि तारीख में कई मरतबा जमहूरियत कुर्बान की गई, जब भी जमहूरियत कुर्बान की गई तो कई साल नतायज भुगते। उन्होंने कहा कि आवाम को अपनी राय के इजहार का मौका मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का फैसले में सिर्फ वसाइल ना होने का जिक्र था। इलेक्शन कमीशन कब कहेगा कि अब बहुत हो गया, इंतखाबात हर सूरत होंगे? चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अब इलेक्शन कमीशन सियासी बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में टर्नआउट 60% था, सिक्योरिटी खदशात के बावजूद बलूचिस्तान की आवाम ने अपना जो हक राय दही है वो इस्तेमाल किया है। भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस अहम आईनी मामले पर 3 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है। ठीक है, राजा मोहसिन एजाज तफसील नागा कर रहे थे, शुक्रिया आपका।